आया है ट्विटर पर हर्ष जी का, इनका सवाल है वोडाफोन आइडिया पर। 2000 शेयर्स इन्होंने 10 रुपए पे लिया हुआ है और पुलबैक की चाह रहे होंगे इस स्टॉक में, उस लिहाज से इन्होंने एंट्री कर ली थी, लेकिन नुकसान ही झेलना पड़ रहा है इनको। यहाँ पर शेयरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और इस वक्त 4000 के आसपास का नुकसान भी इनको यहाँ पर हो रहा है। सिया क्या सजेस्ट करेंगी, क्या कोई पुलबैक दिखाई दे रहा है आपको? अभी तो 8 रुपए के आसपास है, 10 रुपए पर इन्होंने एंट्री ली हुई थी, कुछ पुलबैक दिखाई दे रहा है या फिर एग्जिट करने की राय देंगे या कोई और स्टॉक इनको सुझाएंगी? अगर आप ये काउंटर देखें तो इसमें कहीं भी कोई ऐसे रिकवरी के चांसेस इतने खास दिख नहीं रहे हैं। बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है और इसकी रेंज भी दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो आई थिंक यहाँ पे एग्जिट करने की ही सलाह होगी। अगर आप देखें पीएसयू बैंक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और आपको जो पीएसयू बैंक्स वहां पे अगर आप शिफ्ट करें तो मे बी आपके जो लॉसेज है वो थोड़े रिकवर हो सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप पीएनबी ये काउंटर में शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा प्राइस वाइज अपसाइड है बट आपकी क्वांटिटी भले कम होगी बट यहाँ से आपको जो रिकवरी के चांसेस इस स्टॉक में ज्यादा है। तो आई वुड से करके कि पीएनबी आप लॉन्ग करें, एक स्टिक स्टॉप लॉस जो कि अराउंड 49 का रहेगा और अपसाइड में मे बी आपको 62 से देखिए 64 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इमिडिएटली। और अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो पॉसिबिलिटी है करके कि यहाँ से जो अपसाइड है वो मे बी 70-75 तक के भी आपको लेवल देखने को मिल जाए आगे चल के। तो आई वुड से करके कि आप पीएनबी में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, पीएनबी में शिफ्ट होने की